मोदी नहीं मदारी है, मोदी नहीं मदारी है, मोदी नहीं मदारी है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की कल मीटिंग हुई और उसमें तमाम बड़े ऐलान किए गए, क्या हैं जरा बताएं। देखिए कल जो पहले से ही था कि 15 तारीख को एक हम रिव्यू करेंगे अपना, और वो कल हमारी मीटिंग हुई संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में, और उसमें एक निर्णय लिया गया कि सरकार ने वादा खिलाफी की है, और उस वादा खिलाफी को देखते हुए अब जो है 31 जनवरी को पूरे भारत के अंदर जहाँ भी तहसील मुख्यालय होंगे, जिला मुख्यालय होंगे, वहाँ पे किसान अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और वादा खिलाफी दिवस मनाते हुए सरकार का पुतला दहन करेंगे। आप कह रहे वादा खिलाफी, उन्होंने बिल वापस कर लिए, क्या बिल दोबारा ला रहे हैं? वादा खिलाफी तो ये होगी। MSP पे कमेटी बननी थी, उस पर एक कदम आगे नहीं चले। मना तो किया नहीं कि MSP पे नहीं बनेगी, तो कब बनेगी, कब बनेगी? टाइम दिया ना मार्च तक का टाइम नहीं था, हमने 15 तारीख तक कहा था। उसके बाद हमने कहा था कि जो किसानों के ऊपर मुकदमे हैं वो वापस ले, ये सरकार ने वादा लिख के दिया था, उस पर एक कदम भी सरकार आगे नहीं चली है। जो किसानों को कंपनसेशन था उस पर सरकार एक कदम आगे नहीं चली है, तो ये वादा खिलाफी है। अजय टेनी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया ना बर्खास्त किया। क्लीन चिट मिल गई ना, क्लीन चिट कैसे दे दोगे? उस पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। और जब ये नहीं करेंगे तो हम 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस मना करके पुतले दहन करेंगे हर जिला मुख्यालय पर और तहसील मुख्यालय पर। नहीं लगता कि सरकार को वास्तव में आप लोगों को आना नहीं चाहिए था, धरना प्रदर्शन हटा। अगर आप लोग सरकार पे भी विश्वास नहीं करोगे, सरकार के लिखित पर विश्वास नहीं करोगे, तो फिर काम कैसे चलेगा? तो नहीं कर रहे ना। तो मैं तभी तो कहता हूँ मोदी नहीं मदारी है, ये मदारी पना करता है। लेकिन तब वादा खिलाफी सरकार ने बिल्कुल मना तो नहीं किया आपको कि हम ये नहीं करेंगे? मने करोगे नहीं, काम करोगे नहीं, तो कब करोगे? जो समय सीमा थी उसके अंदर होना चाहिए था, सरकार दिखनी चाहिए थी काम करते हुए। और 1 फरवरी से मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड ये संयुक्त किसान मोर्चा ऐलान कर चुका है। अब चुनावों का दौर है, सरकार चुनावों में बिजी है, अब आप अपनी लेके बैठ गए। केंद्र सरकार कहाँ बिजी है? चुनावों में बिजी है। क्यों? केंद्र सरकार का चुनाव हो रहा है, सारे नेता चुनावों में लगे हैं, देख नहीं रहे हो? तो बाकी काम नहीं होगा देश का, बाकी काम नहीं होगा देश का, तो सबर कर लेते थोड़ा। सबर ही तो करा है इतने दिन, और सबर करेंगे? ये नहीं होता, सबर करना नहीं होता, जो काम होता है वो समय से होता है, और जो व्यक्ति समय से कार्य नहीं करता वो नाकारा साबित होता है। लेकिन आपने टारगेट उन्हीं प्रदेशों को किया है ना जिनमें चुनाव है, उसी में आप करेंगे पुतला दहन, उसी में आप धरने करेंगे दूसरे प्रदेशों? पूरे देश के अंदर की बात चली है, पूरे देश के अंदर पुतला दहन होगा। नहीं, मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड। हाँ, तो ये तो हमारा पहले से था, हमने पहले नहीं कहा था कि जो सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मैटर है ना। क्या तो स्टेट गवर्नमेंट? मुकदमे वापस लेना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, तो और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम है, क्योंकि रेलवे के मुकदमे भी हैं, दिल्ली पुलिस के भी मुकदमे हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तमाम स्टेटों में है ये, तमाम स्टेटों के मुकदमे थे, दिल्ली है, पंजाब है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु के, तमाम स्टेटों का। हाँ, तो सभी स्टेटों ने मना कर दिया है या कुछ स्टेटों ने? कोई पंजाब में हुआ है बस, हरियाणा भी थोड़ा आगे बढ़ा है, बाकी कोई नहीं चला। दिल्ली की आप बात करते थे, दिल्ली पे तो आपको भरोसा था, दिल्ली गवर्नमेंट पे? यार दिल्ली सरकार कहाँ कर रही है, तो उसके खिलाफ भी जाओगे? और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार ही तो है भाई, जो पुलिस आती है दिल्ली की वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, रेलवे आता है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है, तो उनके खिलाफ जाएंगे। और क्या, लखीमपुर खीरी का भी कल जिक्र हुआ है कि वहाँ भी आंदोलन फिर शुरू करेंगे? हाँ, पक्का मोर्चा लगेगा 21, 22, 23 को, वहाँ हमारे किसान आंदोलन के अगवा भी रहेंगे, और वहाँ एक पक्का मोर्चा लगेगा, और वो तब तक जारी रहेगा जब तक अजय टैनी को बर्खास्त करके जेल में ना भेज दिया जाए। क्या किसान आंदोलन की फिर से शुरुआत मानी जाए? नहीं, आंदोलन तो स्थगित ही तो किया था, ख़त्म थोड़ा ही किया था, स्थगित है वो, वहाँ के उसके लिए वहाँ शुरू कर रहे हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है। कहाँ चले गए? अरे कोई नहीं, सब छुट्टी पे गए हुए, हम भी तो छुट्टी पे आए हुए हैं, लड़ लेने दो,
जो जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें चुनाव लड़ लेने दो, उनको भी तजर्बा हो जाएगा चुनाव कैसे लड़ा जाता है, क्या होता है, राजनीति में कौन से लड्डू मिलते हैं, उनको भी वे लड्डू खा लेने दो, फिर आ जाएंगे सब, यहीं आ जाएंगे, हो जाएगा। सरकार 31 जनवरी के बाद भी नहीं मानती तो फिर आगे यूपी 1 फरवरी से के बाद भी नहीं मानती तो क्या होगा? यूपी मिशन के बाद यो यूपी मिशन तो सत्ता परिवर्तन कर देगा, यूपी की सत्ता परिवर्तन होगी, उत्तराखंड की भी हो जाएगी, लेकिन करना तो है मोदी सरकार को। तो क्या होगी आप, 2024 तक का हमारा मिशन है, केंद्र सरकार के खिलाफ भी आ जाएंगे। लेकिन क्या लगता है कि इसके दबाव से सरकार मानेगी? जब एक साल तक बैठे रहे तो क्या हो गया, फिर आ जाएंगे। देखिए आंदोलन से ही सरकारें डरती हैं, और जहां आंदोलन, जिस देश के अंदर आंदोलन खत्म हो जाएंगे उस सरकार आवारा हो जाएगी। यहां तक कि लिखित में देने के बाद भी सरकार ने कोई काम नहीं किया तो उसने अपनी विश्वसनीयता खो दी। देश की जनता ये देख रही है कि सरकार लिखित में देकर के भी कैसे मुकरती है। तो अब सरकारों पे जनता भरोसा करना छोड़ देगी, वो सीधे कहेगी कि संसद में ये कानून पास करो, संसद में करो, अब सब काम संसद से होगा। लेकिन बात है तो अभी चुनाव चल रहा है, चुनावी दौर है, तमाम स्टेट, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो या उत्तराखंड हो, उसमें किसानों के लिए बातें तो हो रही हैं कि ख्याल रखा जाएगा। हाँ तो वो बात की चीज है, अब हम हल्के में किसी को नहीं लेंगे। जैसे यूपी का बिजली का बिल था आपका, उन्होंने कह दिया कि हाफ हो जाएगा। लेकिन ताऊ अभी जो बजट, अब हम यही तो पूछ रहे हैं कि आज तुम कह रहे हो चुनाव आ रहा है तो तुम पे कैसे विश्वास कर लें, क्योंकि तुमने 70 लाख नौकरियों का वादा किया था देश से, प्रदेश से, वो आप पूरा नहीं कर पाए। 2 करोड़ केंद्र ने किया था वो पूरा नहीं कर पाए, 15 लाख जनता को बहकाया था वो नहीं कर पाए, किसानों को तुमने लिखित में दिया, तुम लिखित से मुकर रहे हो तो तुम पे कैसे विश्वास कर ले प्रदेश की जनता? अब प्रदेश की जनता इन पे विश्वास नहीं करेंगे। अभी बजट आने वाला है, उसमें किसानों के लिए बहुत लुभावनी होने वाली है। देखिए अब कितना भी लुभा लो, प्रदेश की जनता अब इनके विश्वास में नहीं आएगी, इनके बहकावे में नहीं आएगी। आपसे पहले बजट आ रहा है, चुनाव जो होगा अभी 5 स्टेट में, हाँ उससे पहले बजट आएगा तो उसमें बहुत लुभावनी होगी किसानों के लिए। हाँ देखेंगे, आने दो बजट जब आएगा। क्या लगता है कि जनता जो है उनके चुनाव बजट से? देखिए जनता सब समझती है कि बजट बहुत आए और बहुत गए, बजट से जनता को मिला क्या? जनता को तो बिचारी को पता ही नहीं है बजट होता क्या है। लेकिन ताओ आप तो फिर मजदूरों का भी जो 24 पर 21 फरवरी की है उसमें भी आप एसकेएम जा रहा है। देखिए हमने तो साफ पूरे मतलब पूरे दुनिया का ठेका आपने ले लिया, ठेका होता है ये। अब देखो पूरे हमारे बच्चे मजदूर नहीं है, पता किसी नेता का बच्चा मजदूर है क्या? बताओ किसी आईएएस ऑफिसर का बेटा मजदूर है क्या? और एक किसान और मजदूर तो है ही है, संयुक्त किसान मोर्चा है क्या? किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, इनकी लड़ाई तो लड़ेंगे। बताइए मजदूर हमारे बच्चे, बेरोजगार हमारे बच्चे, क्या हमारे बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए? तो हम अपनों की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये सारे अपने ही तो हैं। सरकार ये कह रही है कि 70 साल में कोई भी सरकार इतना नहीं किया किसानों के लिए जितना हम कर रहे हैं। जो ये कहता हो कि 70 साल में कोई सरकार नहीं की, वो महामूरख होगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि 70 साल के अंदर 3 साल मोदी के भी आते हैं, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के भी आते हैं, तो इन्हें अपना गणित ही नहीं पता। जो आदमी स्कूल नहीं गया हो वो जनता के बारे में क्या बताएगा? वो तो ये बोल रहे कि हम किसानों के लिए धन दे रहे हैं, अभी 2000 रुपए दे। जनता वो पूछ रही है कि MSP पे गारंटी का कानून कब बनेगा, कमेटी कब बनेगी, वो पूछ रहे हैं। जो सवाल करते हैं उसका जवाब नहीं देते, आगे की बात करते हैं।